गाइस अगले 24 घंटे अली भाई रहने वाले हैं इस स्विमिंग पूल में जिसमें डक्स ने पोटियां की हुई हैं। क्या बोलते हो अली भाई? भाई तो स्विमिंग पूल लगेगा, स्विमिंग पूल से ज्यादा तो एक गटर ही लग रहा है। हाँ भाई आपको रहना पड़ेगा। चुप करो भाई, इतनी खतरनाक भीड़ है, ये काट लेती है ना तो इतना बड़ा फोड़ा बन जाता है। अगर मैंने मेन पार्ट पे काट लिया, काट लिया तो काट लिया, चैलेंज तो चैलेंज चैलेंज करना पड़ेगा। और गाइस आप लोग समझते हो कि अनस भाई एक ही दिन में सब कुछ कर ले, कार चैलेंज भी कर ले, सारे दुनिया जान के चैलेंज कर ले, एक ही दिन में अनस भाई पूरी बुर्ज खलीफा ले लें। मेरा मतलब कि पूरी बुर्ज खलीफा खरीद लें भाई, ऐसा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करेंगे, कार चैलेंज भी मैं करूंगा और बाकी जो चीजें आप लोग बोलते हो सब कुछ होगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम क्या हो गया, सिर्फ एक मिनट रहता है, 6:59 हो गए हैं। वो भिड़न तो थी, एक और आ गई, एक और। अबे भाई साहब दो भिड़ने हो गई हैं, मतलब आज तो अली गए हो और अब्दुल्ला को भी मैं सुबह सुबह उठा के ले आया हूँ। अली चले जाओ पूल में, एक मिनट रहता है, डर के आगे जीत है, जल्दी से 3-2-1। और ये अली नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता आपको करवा देंगे। ये गंदा पानी आपको सबसे पहले करना है, ये गंदा पानी सारा निकालना है, इसमें फिर साफ पानी हम लोग भर देंगे आपके लिए। ठीक है ना, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, चले जाओ और जाके बैठ जाओ। अली को हम बाल्टी दे देते हैं, अली सारा गंदा पानी निकाल देगा। और भाई 7 बज चुके हैं, अब आपको अली पूल से बाहर नहीं निकलना। ओ भाई साहब, पहले तो मैंने भिड़ निकाली, अली ने भिड़ निकाल दी, ये देखो यार तड़प रही है। और इसको हम लोग बचा लेते हैं, बिचारी को बचा लेते हैं, बचा लिया फाइनली हम लोगों ने भेड़ को। चलो चलो जल्दी जल्दी पानी निकाल दो, कितनी बदबू आ रही है ना पानी में से। अनस भाई ये वैसे अब्दुल्ला के काम है, आप फिर से करवा रहे हो? करने पड़ेंगे भाई, चैलेंज आपका, जब अब्दुल्ला का चैलेंज होगा अब्दुल्ला काम करेगा, जब मेरा चैलेंज होगा तो भाई मैं काम करूंगा, अभी फिलहाल आपका चैलेंज है तो आपको काम करने पड़ेंगे सारे। और देखो अब्दुल्ला फुल नशे में, मुझे तो लग रहा है अब्दुल्ला यहीं कहीं लेट के सो जाएगा। चेक करो, पहले इतना ज्यादा काला, धूप में बैठ गया और ज्यादा काला हो जाएगा भाई, और काला हो जाएगा। और ऐसी कोई करीम अभी तक इजाद नहीं हुई जो अब्दुल्ला को चिट्टा कर सके। यहाँ सो जा बत्तखों के बीच में। हम लोगों ने डक्स को रैबिट्स को खाना छाना डाल दिया, और आज मैंने चेक किया बड़े वाले जो रैबिट्स हैं ना, ये देखो बनाना खा रहे हैं, और बड़े वाले रैबिट्स छोटे वाले रैबिट के पीछे लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं। जल्दी जल्दी खाली करो पूल अली। ये तो आपने कीचड़ कर दिया बाहर भी, ये फैला फैला के डालना पड़ेगा। जी अली ने पूरा पूल खाली करके सफाई सफाई कर दी है, और अभी दोबारा से हम लोग पूल को रीफिल कर रहे हैं। मैं कैसे रहूंगा पूल में, बार बार भीड़ आ रही है और मुझे काटने की कोशिश कर रही है। अरे भाई अभी मेरे पीछे भी भीड़ लग गई थी, मुझे लगता है इस दरख्त पे या सामने वाले दरख्त पे ना भीड़ों का छत्ता बार बार आके हम पे अटैक कर रही है, मुझे तो लग रहा है आज हम लोगों को काट के ही दम लेंगी भीड़। जल्दी से आप स्विमिंग पूल फुल करो। मैं नहीं कर सकता आपके नाम का चैलेंज। अब्दुल्ला जा यार जल्दी से जा, अली का नाश्ता बनवा के ले आ, खुद भी नाश्ता करके आ जाना, अली का भी बनवा के ले आना। मैंने तो भाई सुबह सुबह उठ के नाश्ता कर लिया था। अनस भाई और अब्दुल्ला तो मेरे काम से चले गए और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। अनस भाई ने ना कबूतरों को भी खोल दिया था, और रैबिट यहाँ पर मजे से रेस्ट कर रहे हैं, और डक्स यहाँ पर घूम रही हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। मैं यहाँ पर मजे से नहा रहा हूँ और मेरे आर पार ना भिड़न घूम रही है, मुझे इस चीज़ का डर है कि मुझे ना भिड़न ना काट ले, भिड़न काटती है ना इतना मोटा फूल जाता है बंदे का मुँह। अब क्या करें आप लोगों के लिए मैंने चैलेंज करना है, करना ही करना है, तो अभी मैं जाने लगा हूँ पानी के अंदर, देखता हूँ मैं कैसा आता हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 3-2-1 मैंने अगर आया नहीं ना, क्योंकि पानी इतना धुंधला धुंधला है, मैं नजर क्यों आऊँगा। तो मैं चला गया था थोड़े काम से, मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों ने पिंजरे लेने नहीं हूँ और कबूतरों के लिए जाली भी लानी है, तो वो मैं देखने के लिए गया था, अभी मैं वापस आ गया। और अली तो भाई बड़े मजे से नहा रहा है और सारे कबूतर अली के पास आके बैठे हुए। हाँ अभी मैंने भी देखी यहाँ पे भाई बहुत खतरनाक भीड़ है, कबूतर ऊपर चढ़ गए हैं और भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक कबूतर को ये वाला सबसे क्यूट है, नहला के चेक करें कबूतर को, बैठो आप, चलो छोड़ देते हैं आप, बैठो बैठो तो सही, ये छोड़ दिया हमने कबूतर को, नहला दो
जी। ओए 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 बड़े मजे से नहा रहा है ये तो भाई, चेक करो। ओए कैसे नहा रहा है यार, चलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ओए 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 छोड़ दो छोड़ दो, लो जा छोड़ दो। सारे कबूतरों को जो जो हाथ में आता है ना, ये भी बहुत प्यारा है और इसके देखो पाँव पे भी पार है। हटो आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो थोड़ा, ये हटो, ये ओ डाल दिया, वो होली के ऊपर जाके बैठ गया। इसको भी नहला दो, ये भी नहाएगा। गर्मी का जोर बढ़ता जा रहा है और अली तो भाई बड़े मजे से नहा रहा है। भाई मैं स्विमिंग कर रहा हूं। अली के बड़े मजे लगे हैं भाई, कभी बैठ रहा है कभी लेट रहा है कभी डुबकियां लगा रहा है, और भीड़े फिर से आ रही हैं, काट भी सकती हैं अली को। ओए ओए अली के ऊपर ना बैठ जा भीड़ भाई। ओए मेरे पास आई, ओए 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 गई, अभी काटने लगी थी अली को, भगाओ इसे यार, हमें भीड़ ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओए भागो भागो भागो, ओए लग गई, मेरा सही निशाना लगा भीड़ को। फाकू भी आया हुआ, फाकू हाय कैसा है, ठीक है? नींद नींद आ रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है। फाकू बोल रहा है भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई फाकू को भी हम स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, फाकू को भी नहला देते हैं। चल आ जा फाकू, आ जा स्विमिंग पूल में अली के साथ नहा ले। नहीं नहाएगा फाकू, नहाएगा, चल आ जा, जूते उतार जूते उतार जूते उतार दे। फाकू डर रहा है भाई, फाकू ली, फाकू को नहलाते हैं हम जबरदस्ती। डाल दो फाकू को भी, डाल दो। फाकू ओ फाकू लहा रहा, मजा आ रहा है फाकू, फाकू लहा ले बस। फाकू नहा लिया भाई और फाकू बोल रहा है अम्मी मारेगी मेरी। चल फाकू एक दो डुबकियां लगा, बैठ जा स्विमिंग पूल में बस, और नहीं नहाना, आ जा बाहर, आ जा फिर आ जा। ओए भाई फाकू तो पूरा गंदा हो गया, और फाकू का इतना ज्यादा वजन है, सारी ईंटें भी टूट गई हैं, चेक करो हमारा स्विमिंग पूल फाकू ने तोड़ दिया, क्या हाल बना लिया फाकू। चलो फाकू को हम नहला देते हैं, ठीक है, साफ पानी से नहला देते हैं, साफ हो जाएगा फाकू। अली चेक करो मटियों से भी खेल रहा है। सुबह 7 बजे से अली स्विमिंग पूल में नहा रहा है, और अभी आपको टाइम चेक कराता हूँ, 12:20 हो गए और स्विमिंग पूल का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि फाकू को हमने स्विमिंग पूल के अंदर डाला था ना, तो सारी ईंटें शीटें टूट गई थी, सारी मट्टी स्विमिंग पूल के अंदर चली गई है, और स्विमिंग पूल का पानी भी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो मैंने अब्दुल्ला को क्या क्या अभी पाइप शाइप लगवाया, अब्दुल्ला को सारा गंदा कर दिया अली ने। मस्तियाँ तो करनी है अली के, सही मज़े आ रहे हैं भाई, सही मज़े लगे हैं अली के। ये वाला सारा गंदा पानी निकाल देते हैं अली, निकाल दे जी, ये लो ये गंदा पानी निकाल दो, ठीक है ना भाई, अगला बाल्टी ले दूसरी डाल। अली को गंदे पानी से नहला दिया। नहीं अब्दुल्ला के ऊपर सारा गंदा पानी, ओए मेरे ऊपर भी अब्दुल्ला पानी फेंक रहा है, सारा पानी, ओए मुझे भी गीला कर दिया, ओए अब्दुल्ला ने सारा गीला कर दिया। ये लो ये लो ये लो, मैं तो कह रहा हूँ इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ तो भाई, गंदा पानी सारा गंदा पानी अली मेरे ऊपर फेंक रहा है। ओए जल्दी जल्दी ये गंदा, नहीं अली नहीं नहीं, ये देखो सारा गंदा पानी अली ने मेरे ऊपर, अली नहीं करो यार, मुझे लग रहा है मुझे भी स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, आ जाओ क्या बोलते हो। तो गाइस ये यार अली नहीं करो, गंदा पानी है, मैं भी चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी स्विमिंग पूल में नहा रहा है। हटो हटो हटो, ओ यार मेरी कैप भी सारी गंदी कर दी अली आपने, क्या कर रहे हो, इधर दिखाओ जल्दी जल्दी स्विमिंग पूल का, हम पानी खाली करते हैं और मैं खुद भी स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। जल्दी जल्दी पानी निकालते हैं, ओए होए गाइस आज तो ओए, वो चेक करो डक्स कैसे नहा रही है मजे से, रोज ऐसे ही नहाती है भाई, कितनी प्यारी लग रही है नहाते हुए। ओए स्विमिंग पूल साफ कर दिया हम लोगों ने, अब स्विमिंग पूल में हम लोग नया पानी भर रहे हैं। चलो ली बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ओए होए 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 आज तो मजे हैं भाई हमारे, ओए फुल मजे। वाह
कितना मजा आ रहा है। फवारा बनाओ, हटो हटो। ओहो मजे आए, मजे। बारिश हो रही है। ओए अब्दुल्ला को भी नहलाना। हटो 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 हटो। अब्दुल्ला शायद आज गोरा हो जाए। अरे मैं नहलाऊंगा। बस बहुत मजा आ रहा है। मैं आपको नहलाता हूँ। देख प्रेशर। ओए भाई मजा आ गया। मैं भी अली के साथ स्विमिंग पूल में नहाऊँ और भाई बहुत मज़ा आया, बहुत नहाया हूँ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और अली तो भाई सुबह से स्विमिंग पूल में नहा रहा है। अली नहा नहा के थक गया, अली की हालत टाइट हो गई है और मामा ने ना अली के लिए खाना शाना बना के भेजा है और अली को अब स्विमिंग पूल में ही खाना खाना पड़ेगा। पीछे पीछे टेक लगा के बैठ जाओ। देखते हैं, एक मिनट एक मिनट, ये डूबेगा नहीं। हटो 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 हटो, डूबेगा नहीं। ये तैर रहा है, मजे से खा सकते हो आप तो। ये लो मामा ने, ओ रे वाह, पराठा बना के दिया। वो दाल के अंदर चला गया। अब्दुल्ला ये कागज पकड़ क्या चला गया ना भाई? नहीं कुछ नहीं गया। ओए भाई चेक करो, ये लो खा लो। लाइफ हो तो भाई अली जैसी हो, चेक करो, 5-star लाइफ है अली की। मजे से स्विमिंग पूल में बैठ के अली खाना खा रहा है। भाई आपको एक चीज दिखाऊं? जी। ये ना हॉट पॉट ना खुद ब खुद पानी में तैरता है। ये देखो हॉट पॉट खुद ब खुद आगे आ रहा है। वाओ अनिल भाई मेरे पास भेजो, मैं भी खा लेता हूँ क्योंकि ना अब मैं घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं घर चला गया तो अली यहाँ पे अकेला रह जाएगा बाड़े में और यहाँ पे भाई भूत छूत भी है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो मुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। मैं भी यहीं पे खाना शाना खा लेता हूँ अली के साथ। वो भिड़ फिर से आ गई। नहीं काटती नहीं काटती। आगे आ जाओ। अल्लाह की एक अलग एक्सपीरियंस है। अली ने और मैंने खाना खा लिया और मैं सुबह ही 5 बजे से उठा हूँ, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा रूम में जाके। और अली को चेक करो, अभी खाना खा के फिर नहाना शुरू कर दिया अली, और बहुत ज्यादा धूप हो गई है। वो कब से गया हुआ है पानी में अली। अली भाई बहुत देर सांस रोक लेता है पानी के अंदर। नहीं नहीं अभी नहीं, एक मिनट। अली के लिए ना हम छांव कर देते हैं, इधर कपड़ा छपड़ा बांध देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। एक ईंट वहां रख दो आराम से, ये एक ईंट मैं यहाँ रख देता हूँ। ये ईंट रखी गई, ओ मेरे हाथ पे लग गई। अभी होगा इससे अली के ऊपर ना, लेकिन अभी भी आएगी धूप, तो धूप तो अभी भी आएगी। हमें उस साइड हम लोगों ने कपड़ा बांध के चेक किया, लेकिन कपड़ा हमारा छोटा है उस साइड नहीं आ रहा पूरा, धूप फिर भी अली के ऊपर आ रही है, तो हम लोगों को इस साइड डंडे लगाने पड़ेंगे। एक डंडा लग जा लग जा, एक डंडा यहाँ पे लग गया, एक डंडा हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर हम लोग चादर बांध देंगे ताकि अली आराम से स्विमिंग पूल के अंदर सो भी सके। हमने चारों तरफ डंडे शंडे खड़े करके ऊपर एक चादर बिछा दिया और अली के लिए VIP छपरा बना दिया। अली को बिल्कुल भी धूप छूप नहीं लगेगी। काम तो मस्त हो गया, आपने तो मेरे लिए मिनी हाउस बना दिया, अब तो मुझे धूप ही नहीं लगेगी और मैं सुबह 6 बजे से जागा हूँ तो मुझे नींद आ रही है, अब मैं सो रहा हूँ। कैसे सो गया? सो जाऊंगा भाई। अली सुबह से नहा रहा और अब बहुत ज्यादा थक गया, तो अब अली सो जाएगा। और आप तो 6 बजे उठे थे, मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ। आप सो जाओ, मैं भी अंदर रूम में सो रहा हूँ, ठीक है? है फिर शाम को मिलते हैं, ठीक है? सो जाओ, ठीक है। आ जाएगी नींद? आ जाएगी ना भाई, इतना मजा आ रहा है। ऐसी मस्त नींद आई है भाई, अभी मैं सो के उठा हूँ। मैं भी इधर ही सो गया था न्यू घर में और भाई बादल शादल आ गए, फिर से मौसम थोड़ा अच्छा हो गया और अली तो मस्त हो गया अपने मिनी हाउस में सोया हुआ है। अली अली उठो, शाम हो गई। अली अली उठो, उठ जाओ, शाम हो गई है। शाम हो गई, उठो।
उठो, उठ जाओ भाई, उठ जाओ, शाम हो गई है। अरे भाई पूल में सोने का तो मजा ही अलग है। मस्त नींद आई है लगता है आपको जी। देखो भाई अली अली छपरा वपरा लगा दिया था हम लोगों ने, मजा आया ना आपको? मजा आया बहुत ज्यादा। उठ जाओ भाई उठ जाओ, कोई डुबकियां शुबकियां लगाओ, थोड़ा इंजॉय इंजॉय करो। हाँ 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 बस चलो, उठो उठो अली, उठ जाओ उठो। ओ हो हो अली उठ गया। अब तो शाम हो गई, छपरा वपरा सारा उतार देते हैं आराम से। ओ भाई साहब, और फिर से हमने कर दिया ओपन माहौल। अली तो फिर से भाई डुबकियां लगाना शुरू हो गया। अली बात सुनो, ऐसे तो सादे सादे चैलेंज का मजा ही नहीं आ रहा, अब हम लोग करने वाले हैं कुछ एक्सट्रीम, थोड़े मजे शजे भी तो लेने हैं हम लोगों ने। हम लोग छोड़ने वाले हैं इस स्विमिंग पूल में खतरनाक डक्स को। ये बात नहीं हुई थी, मैं तो इतनी मुश्किल से ये चैलेंज कर रहा हूँ, ऊपर से आप स्विमिंग पूल में डक्स छोड़ो, अगर उनने मेरे मेन पार्ट पे काट लिया ना दर्द होगा बहुत ज्यादा। नहीं ये बात, अली का मेन पार्ट डक्स ले जाएंगे आज, अब तो छोड़ेंगे, अली मना कर रहा है ना, अब तो हम लोग डक्स को छोड़ेंगे। चलो ऑपरेशन स्टार्ट करो, डक्स को पकड़ो जल्दी से, पकड़ लो जल्दी, लेके आओ डक्स को। एक डक तो आ गई, एक डक को मुझे दे दो। ओ भाई साहब ये देखो गाइस, डक्स मेरे हाथ में है। ओए मुझे तो बहुत डर लगता है, काटती भी है भाई। इनका जो मुंह है ना, अंदर कांटे लगे हुए, चेक करो मुंह में कांटे हैं भाई डक्स के। दूसरी भी आ गई अली भाई, डक्स को छोड़ दिया ओए अली के साथ। डक्स तो भाग गई आपसे, डर के भाग गई। अरे डर के भी भागी, पंजे मार के भाग गई, पंजे मार दिए, ऐसे मजा नहीं आया, तो नहा के भाग गई भाई। दोबारा से पकड़ो इनको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओए काट रही है, ओए 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 भाई, पकड़ो 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 डक्स को पकड़ो। हमने डक्स को फिर से पकड़ के स्विमिंग पूल में छोड़ दिया, और अली तो डर ही नहीं रहा भाई। भाई अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी दोस्त बन गई, ये मेरे साथ नहा भी रही है। चेक करो भाई, डक्स अली के साथ नहा रही है। ओ भाई साहब मजे हो गए, ओए होए होए भाई, देखा मैं नहीं डरता। नहलाओ डक्स को भी, नहला दो थोड़ा। ओए भाई ये बहुत खतरनाक है। ओ हो डक्स के भी मजे हो गए, ओए होए काट भी सकती है अली के वेल पार्ट पे। ओए 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 भाग रही है, ओए ओए काट गई है अली, पीछे कट्टी करके भाग गई है एक डक। ओए ओए भाग गई भाई, नहा के चेक करो, पानी शानी उतार रही है अब अपना। रात हो चुकी है, स्विमिंग पूल का पानी भी खत्म हो गया था, स्विमिंग पूल को हमने दोबारा से रीफिल कर दिया, और भाई बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये साथ में खाली हॉस्पिटल है, पता नहीं कितनी सदियों से हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, और ये साथ वाला प्लाट है ना ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पे जिन भूत भी हैं, और यहाँ पे बहुत खतरनाक दरख्त लगे हैं, पूरा जंगल टाइप बना हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे तो। और आज रात को मैं भी अली के साथ ही सोऊंगा, क्योंकि अली को अकेला हम न्यू घर में तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि स्विमिंग पूल तो न्यू घर में बना हुआ है, तो मैंने अपना पलंग यहाँ बिछा लिया, आज रात को मैं भी यहीं सोऊंगा। ठीक है अली भाई, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। भूख तो भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ मंगवा लेते हैं। और भाई अली के लिए आज अली की पसंद का मंगवाएंगे, क्या खाओगे? चिकन बर्गर खाना है, तो मैं अपने लिए एक शवारमा मंगवा लेता हूँ। अब्दुल्ला एक चिकन बर्गर और एक शवारमा, ठीक है जल्दी फटाफट लेके आ जाओ। अली का बर्गर और मेरा शवारमा आ गया, तो फटाफट से हम लोग खाते हैं रात का खाना। मजा आ रहा है अली? बहुत मजा आ रहा है, स्विमिंग पूल में खाने का मजा ही अलग है भाई। अली को मैं अपना शवारमा खिलाता हूँ, अली का बर्गर टेस्ट करते हैं। ओए होए होए खाना पीना हो गया और मज़ा ही आ गया। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, अनस भाई न्यू घर में लिविंग 24 आवर चैलेंज करो, तो भाई आज एक तीर से दो शिकार किए हैं हम लोगों ने, मेरा भी लिविंग 24 आवर चैलेंज हो जाएगा न्यू घर में, और अली भाई का स्विमिंग पूल में 24 आवर चैलेंज हो जाएगा। क्या बोलते हो अली, सो जाओगे ना? सो तो जाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों को रात को भाई बहुत ज़्यादा डर लगेगा, पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं आएगी,
घर में हम लोगों ने एसी लगवाया और आप लोगों के लिए हम लोगों को भाई गर्मी में सोना पड़ेगा। और यहाँ पे ना पंखा है ना कुछ है, देखो ऊपर दरख्त हैं और नीचे मैं लेटा हुआ और साथ में अली भाई स्विमिंग पूल में लेटे हैं। आपकी ना अली की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, डस्ट का गंदा पानी है, लेकिन आप लोगों के खातिर कर रहे हैं भाई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो सकती है, रात को भूत छूत भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों ने प्लीज़ सपोर्ट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो गाइस मस्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही हम लोग न्यू और बहुत मज़ेदार चैलेंज बनाएंगे, बस आप लोगों की थोड़ी सी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी आप लोग सपोर्ट करेंगे ना हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, बस थोड़ी सी आप लोग सपोर्ट कर देना, मज़ा आ जाए यकीन करें। तकरीबन रात के 10 या 11 बज रहे हैं और अली भाई तो मस्त हो गए सो गए। अली ने ना पूरा दिन इतनी शरारतें की, इतनी मस्तियां की, तो अली भाई बहुत ज़्यादा थक गया था, अली इसलिए सो गया। और भाई मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नींद नहीं आ रही, क्योंकि न्यू घर है ना, मैं आसमान में तारे शारे देख रहा हूँ। डक्स को रैबिट्स को चेक करो, बड़े मज़े से एक साथ बैठे हुए। डक्स सो रही कैसे हैं, चेक करो डक्स को कैसे सो रही हैं, डक्स भी सो गई हैं, बस मुझे ही नींद नहीं आ रही है। सुबह हो गई और अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मॉर्निंग व्यू चेक करो, ओए होए होए क्या वाइब्स हैं। और अली तो अभी तक मस्त होके सोया हुआ है। अली 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 उठो उठो जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई है, बाहर नहीं निकलना, चैलेंज नहीं खत्म हुआ अभी आपका, बैठे रहो। टाइम चेक करते हैं, गुलजार सिमसिम 6:16 हो रहे हैं। रात को ना मेरी आँख खुली थी, मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। डर तो भाई मुझे भी लग रहा था लेकिन क्या करते, चैलेंज भी तो कंप्लीट करना है, मेरा भी 24 आवर चैलेंज हो गया भाई, सिर्फ अभी तकरीबन आधा पौना घंटा रहता है चैलेंज का। बैठे रहो, नाश्ता करना है या घर जाके करेंगे? घर जाके नाश्ता कर लेंगे। और डक्स भी उठ गई हैं, रैबिट्स भी उठ गए, कबूतर भी उठ गए, कबूतर बल्कि सोए हैं, कबूतर सो रहे हैं। 6:59 हो गए, अली सिर्फ 1 रहता है, मैंने पाइप शाइप लगा दिया ताकि अली को नहला दूं, क्योंकि ये बहुत गंदा पानी हो गया था। अली खड़े हो जाओ, आपको नहलाऊं पूरा, 1 रह गया, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। सर्दी लग रही है, ऊपर मुंह करो। ओ भाई साहब सर्दी हो रही है इस टाइम, सुबह सुबह है ना, सुबह सुबह सर्दी हो जाती है। 1 बाद आप बाहर आ जाना, बाल ठीक कर लो अपने, बाल ठीक कर लो। ओए होए 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 देखो क्या टाइम हुआ, टाइम चेक करता हूँ 1, नहा तो लो पहले सही तरह, पकड़ो पाइप पकड़ो, मैं टाइम चेक करता हूँ। 7 पूरे 7 ये देखो अभी मोबाइल गिर जाता, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फाइनली अली ने चैलेंज कंप्लीट कर लिया, और ये सबसे अब तक का सबसे हार्ड चैलेंज था अली के लिए। छिड़काव भी कर देते हैं अभी, डक्स को भी थोड़ा पानी शानी डाल देते हैं, डक्स का पानी तो फुल है, थोड़ी देर में डक्स का खाना शाना लेके आ जाएंगे जब हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सर्दी लग रही है अली को भाई, सर्दी लग रही है, कबूतरों को भी पानी शानी डाल दें थोड़ा। स्विमिंग पूल फुल कर देते हैं और इस चैलेंज को यहीं से एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये चैलेंज पसंद आया होगा, आप लोगों ने बस प्यार दिखाना, सपोर्ट करनी है, देखो अली भाई की मेहनत है। अली भाई तो गाइस मैंने 24 आवर इन पूल करा चैलेंज, इतना हार्ड चैलेंज था, इतना गंदा पानी कर दिया था, और तो और आनंद भाई ने रक्त को भी छोड़ दिया, उन्होंने पोटियाँ कर दी, गंदे पानी में मैं आप लोगों के लिए रहा। बस आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना है। और गाइस आप लोगों ने ये बताना है कि हम लोग नेक्स्ट चैलेंज कौन से करें, कार वाला चैलेंज भी करूंगा, बस 2-3 वेट करें, पापा आ जाएं, फिर कार वाला चैलेंज करूंगा, और आप लोग बता दें कि कौन कौन से चैलेंज हम नेक्स्ट टाइम करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैलेंज में, थैंक्स फॉर वाचिंग।